हाल ही में राष्ट्रवादी नगर में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें तकरीबन 7 नगाबपोशों ने रात के 1:30 से 2 बजे के दरमियान भानारकर एवं कुम्हारे के घर का पत्थर से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और परिवार को एक कमरे में बंद कर घर में रखे जेवर और रकम पर हाथ साफ किया। सभी डकैतों ने कच्छा और बनियान पहन रखा था। तब से पुलिस उन डकैतों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उपरोक्त घटना की जांच में स्थानीय अपराध शाखा रामनगर थाना, शहर पुलिस स्टेशन बल्लारशाह थाना दुर्गापुर व साइबर सेल के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी श्वान पथक फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद से अपराधियों को ढूंढने की जद्दोजहद कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अलग अलग पुलिस दल बनाकर जाँच पड़ताल की गयी। इस अपराध के संबंध में अलग अलग जिले में जाकर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर निगरानी रखी गई थी और हिंगन घाट से संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ करने पर उसने अपने और गिरोह का पर्दाफाश किया और वह गिरोह हमारा ही था इस तरह की बात कबूल की। आरोपी को न्यायालय पुलिस रिमांड लेने न्यायालय में हाजिर किया गया, जिसे पुलिस रिमांड दी गई। इस मामले की जाँच पड़ताल पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रहलाद गिरी, थानेदार आर के सिंगन जुड़े, पुलिस उपनिरीक्षक डी आर बांडे, जी एस कावड़े, के टी रामटेके, चोखाजी पिपरे, पुलिस सिपाही मनोहर मत्ते, विनोद यादव, रजनीकांत पुट्टावार, पुरुषोत्तम रामटेके, पुलिस सिपाही धीरज लोधी, संदीप कांबड़ी, भाग्यश्री राठौड़ ने किया। जे चोड़ा वगैरह तो होता ठीक चड्डी बनिया गैंग टेरोसर गैंग में यूँ दहशत माजून दरोड़ा करा होता झालेला होता। त्याच्यामध्ये इमिजिएटली आपल्याला आपल्या डॉगनं काही रूट्स दाखवले होते, काही स्पॉटवरचे काही क्ल्यूज होते आणि बाकी काही डेटा अनालिसिस आणि इंटेलिजन्स या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती इमिजिएटली आपण सगळ्या टीम्स लावल्या होत्या। लोकल पोलीस स्टेशनपासून NCB पासून बाकीच्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकारीसुद्धा आहेत। दुर्गापूरमधील राष्ट्रवादी नगर येथे 15 तारखेला जो दरोड्याचा प्रकार झाला त्याच्यामध्ये तो डिटेक्ट करण्यात दुर्गापूर पोलिसांना यश मिळालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण एक आरोपी काल अटक केलेला आहे। त्या आरोपीला आज माननीय न्यायालयासमोर प्रोड्यूस केला असता त्याला 5 दिवसाची 2 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी ही रिमांड मिळालेली आहे। त्याच्यामध्ये बाकीच्याही आरोपींची नावं निष्पन्न आहेत आणि लवकरच आम्ही त्या आरोपींना सुद्धा अटक करू। सर, काही मुद्देमाल मिळणार नाही? मुद्देमाल अजून नाही मिळालेला, पण आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे आणि म्हणजे येण्याजाण्याचा रस्ता वगैरे या सगळ्या गोष्टी त्यांनी स्वतःहून व्हॉलंटरीली दाखवलेल्या आहेत आणि पडताळणी झालेली आहे की आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे।